नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी। नल जल योजना से जुड़े दो ठेकेदारों के ठिकानों पर बीते शाम आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी की गई थी, जिसके बाद बिहार की राजनीति जो है वो लगातार गड़माना शुरू हो गई। विपक्षी दल लगातार सत्ताधारी दल पर आरोप लगाने लगे, लगातार उन पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे थे। इस बीच बीजेपी नेता बीच बचाव में उतरे हैं। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव बीच बचाव में उतरते हुए कहा है कि जो भी इस मामले में आरोपी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी और इस पूरे मामले पर पारदर्शिता के साथ जांच करवाई जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने चिराग पासवान पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान का अपना कोई विजन नहीं है, वो जब दिल्ली में थे तो सात निश्चय योजना को सराहा करते थे। विशेष क्या कुछ कहा भूपेंद्र यादव ने, आप खुद सुनिए। सारे तथ्यों की जानकारी ली जा रही है। सरकार बिहार में एक चीज के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, नीतीश जी के नेतृत्व में एक पारदर्शी शासन दिया है। सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को सरकार ने एक लक्ष्य में पूरी किया है। प्रशासनिक ईमानदारी, प्रशासनिक पारदर्शिता, ये इस सरकार की विशेषता रही है और निश्चित रूप से पारदर्शिता के सारे मानदंडों का पालन किया। चिराग पासवान का कहना है कि सबसे बड़ा बिहार का घोटाला सात निश्चय योजना ही है। वो तो कह ही रहे हैं, कहने के अलावा क्या है। उनके पास कोई विजन नहीं है, वो खुद इस सात निश्चय के साथ थे। दिल्ली में तो उन्होंने फरवरी में इसके संबंध में समर्थन में भाषण दिया था। अब वो इस समर्थन के भाषण के बाद उनका क्या कहना है वो मायने नहीं रहता। तो आपने साफ तौर पर सुना, बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जो भी इस मामले में दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने चिराग पासवान पर भी प्रहार करते हुए नजर आए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। नमस्कार।